हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल डी आई एम गाय। अगर आप कैट का प्रिपरेशन करने वाले हो अभी, मतलब अगले साल आप कैट का प्रिपरेशन करोगे, या फिर अगर आपको ये जानना है कि मार्केट में जो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या पता कल को मेरा भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट निकल आए। ठीक है, आज तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, पर मार्केट में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इतना प्रमोशन होता है। आप कोरा खोलोगे रिव्यू देखने, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे प्रमोट करके रखे हैं। आप यूट्यूब खोलोगे, वहाँ इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं। मैं खुद अपने वीडियोज़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रमोट करता हूँ। तो मैंने सोचा यार एक अब वीडियो बनाएं, क्योंकि इस महीने मैंने सोचा थोड़ा इंटीग्रेशन कम करेंगे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ऑनेस्ट रैंकिंग दूंगा मैं अपने रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च के द्वारा, कि भैया टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया में अभी कौन से हैं एमबीए के लिए। मैंने प्राइमरी रिसर्च किया है। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, आप एमबीए करना चाहते हो ना तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको प्राइमरी रिसर्च क्या होता है बताता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। प्राइमरी रिसर्च होता है कि जो लोग कोचिंग ले चुके हैं उनसे खुद जाके पूछूं कि भैया आपने कोचिंग कहां से लिया था और आप अपने कोचिंग को 5 में कितना रेट करोगे। तो क्योंकि मैं प्राइमरी रिसर्च करता था अपने एमबीए कोर्स में, और क्योंकि मैं एमबीए कॉलेज से हूँ, आई एम विशाखापट्टनम, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं के अपने दोस्तों से, अपने एलुमनाई नेटवर्क से पूछूं कि भैया आपने कहां कहां से कोचिंग किया, क्योंकि वो लोग अब आई एम आ चुके हैं, आई एम विशाखापट्टनम, तो वो जहां से भी कोचिंग करेंगे वो टॉप में होगा, पर अब उसको रेटिंग कितना देंगे, ताकि मैंने उनका रेटिंग का एवरेज निकाल के टॉप 5 बनाया। मैंने दो काम किया माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी के बच्चों से पूछा जिनसे मैं टच में था, ठीक है, वो प्राइमरी रिसर्च किया। फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको लग रहा है तो, ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज पोस्ट किया कि आई एम विशाखापट्टनम व्हाट्सएप ग्रुप में, कि दोस्तों मुझे वीडियो बनाना है अपने आई एम गाय चैनल में, एक बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो कि टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन है इंडिया में अभी, और मुझे बताओ कि तुम कितना रैंक करोगे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को। तो ये मुझे रिस्पॉन्सेज मिले माय डियर फ्रेंड्स, इस रिस्पॉन्सेज का मैंने एवरेज निकाला, और उसके बाद मैंने रिसर्च करके, सेकेंडरी रिसर्च भी किया, मैंने ऑनलाइन पढ़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और कुछ करंट स्टूडेंट से बात करके मैंने अभी जो लिस्ट बनाया है टॉप 5 का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्ट बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि दोस्तों कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कोचिंग लेने से पहले। अगर आप कोचिंग ऑफलाइन लेते हो, और मैं ऑफलाइन कोचिंग लेने ही बोलूँगा सब स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन मतलब कि आप जाते हो कहीं पर पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर आपको फेस टू फेस पढ़ाता है। अगर आप ऑफलाइन टीचिंग लेते हो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, ठीक है, तो उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, मैंने करियर लॉन्चर में ऑफलाइन कोचिंग लिया था, मेरा रेटिंग आपने देखा होगा मैसेज में, तो मेरा रेटिंग कुछ खास नहीं था करियर लॉन्चर का। मैं जितना रेटिंग दूंगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार 3 out of 5 दूंगा, जो कि एवरेज है, और काफ़ी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही रेटिंग दे रहे करियर लॉन्चर को। तो एनीवे, ऑफलाइन कोचिंग क्योंकि मैंने किया और मेरे टाइम पे काफ़ी लोग करते थे, तब इतना ऑनलाइन का प्रचलन भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप खुद पढ़ते हो और खुद आप डाउट्स फेस टू फेस पूछ सकते हो टीचर से। यही हमने पढ़ाई किया स्कूल कॉलेज में, है ना। और उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ऑफलाइन कोचिंग का नुकसान ये है कि भाई अब मान लो कोई कोचिंग है टाइम या करियर लॉन्चर या IMS दिल्ली में, अब दिल्ली में जो पढ़ाएगा और सिलीगुड़ी में, मेरे किशनगंज के पास सिलीगुड़ी है, वहाँ भी करियर लॉन्चर है, वहाँ जो पढ़ाएगा और दिल्ली में जो पढ़ाएगा, दोनों है तो करियर लॉन्चर, पर दोनों सेम कोचिंग में हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। दोनों के, मैं बता रहा हूँ, दोनों के टीचर्स में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा, क्योंकि जो बेस्ट टीचर होगा वो हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेस्ट सिटी में और बेस्ट सेंटर पे रहेगा। तो ऑफलाइन कोचिंग का जो मैं अभी रैंकिंग दूंगा दोस्तों, वो मैं आपको दिल्ली के CP सेंटर के हिसाब से दे रहा हूँ। दिल्ली का कनॉट प्लेस जो सेंटर है, वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग के बेस्ट टीचर्स बैठते हैं, ये एकदम सच बात है। कैलकटा में अगर आप जाओ तो पार्क स्ट्रीट में बेस्ट टीचर्स बैठेंगे, दिल्ली में कनॉट प्लेस में बेस्ट सेंटर्स बैठेंगे। ऐसे ही आपको बॉम्बे चेन्नई का जो बेस्ट सेंटर्स है वो पता लगाना है, और वहाँ के लिए ये रैंकिंग एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरा रैंक 1 है उसको जो अभी मार्क्स दे रहे हैं वो अपने सिटी के बेस्ट सेंटर के हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं। जब मैंने कोचिंग लिया था ना करियर लॉन्चर को, मैंने कोचिंग लिया था कैट का भी क्लैट का भी, तो पार्क स्ट्रीट और गड़ियाहाट में सेंटर्स थे, और दोनों में सेम टीचर्स नहीं थे। एक जो वहाँ का बेस्ट टीचर था मैथ्स का, क्वांट का, शकीब सर नाम था उनका, वो बेस्ट टीचर थे, वो गड़ियाहाट में उनके क्लासेस उतने नहीं थे जितने पार्क स्ट्रीट में थे। तो पार्क स्ट्रीट वॉज दी बेस्ट सेंटर फॉर करियर लॉन्चर, तो उसको रैंकिंग दूंगा मैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं जो जानता हूँ कि दिल्ली का कनॉट प्लेस में तो बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैं उस बेसिस पे रैंकिंग दे रहा हूँ और अपने प्राइमरी रिसर्च के बेसिस पे जो आपने देखा, ठीक है। तो नंबर 1 रैंकिंग, और आपने मैसेजेस देखे होंगे, सब ने मुझे, आई एम विशाखापट्टनम वालों ने, और जितना मैंने लोगों से बात किया उनसे भी, सब ने बताया कि भाई नंबर 1 कोचिंग टाइम है, क्योंकि टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कोचिंग लिया है, आप मैसेजेस में देख रहे हो।
मैक्सिमम लोगों ने टाइम पे कोचिंग लिया मेरे आई एम विशा के बारे में 2018 के बैच में, ठीक है, और सब 4 out of 5 रेटिंग दे रहे हैं. एवरेज रेटिंग टाइम और टाइम का 4 out of 5 है, ये बहुत बढ़िया रेटिंग है. 4 out of 5 वो लोग अब रेटिंग दे रहे हैं जब उन्होंने MBA कर लिया है, जॉब कर रहे हैं, तो भैया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कम रेटिंग, वो सही रेटिंग देंगे. और फिर भी वो 4 out of 5 दे रहे हैं, मतलब टाइम इज़ दी बेस्ट कोचिंग इन इंडिया राइट नाउ. टाइम का MCATs होता है, MCATs को भी लोगों ने अच्छा रेटिंग दिया है. लोग ये बोलते हैं कि MCATs का लेवल थोड़ा टफ होता है, क्वांट का, मैथ्स का लेवल थोड़ा टफ होता है MCAT का, पर वो फायदा ही करता है क्योंकि आप कैट में अच्छा स्कोर कर देते हो. तो नंबर वन कोचिंग कोई है, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, देखो कहीं दिस इज वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च, एंड आई एम टेलिंग यू टाइम इज द नंबर वन कोचिंग इन इंडिया राइट नाउ. स्पॉन्सर्ड नहीं भी है क्योंकि आप देखोगे टाइम का, मैंने तो किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करते देखा नहीं, मैंने भी आज तक प्रमोट नहीं किया, ठीक है. अब आते हैं नंबर टू पे. नंबर टू कोचिंग जो है रिसर्च के अनुसार वो पता पड़ा है कि नंबर टू कोचिंग आज के डेट में IMS है. अगर आप IMS के सिटी के बेस्ट सेंटर पे जाते हो तो IMS का ऑफलाइन सेंटर्स नंबर टू पे है. IMS का भी एवरेज रेटिंग जो लोगों ने दिया मुझे 4 out of 5 दिया, लेकिन इसको मैं टॉप में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि टाइम के बहुत लोगों ने वहाँ पे कोचिंग लिया. तो मतलब टाइम के 10 लोगों ने अगर 4 out of 5 रेटिंग दिया है और IMS के 4 लोगों ने 4 out of 5 रेटिंग दिया है, तो मैं ऑफकोर्स टाइम को ज़्यादा रेट करूँगा, राइट. तो IMS में उतने लोग नहीं कोचिंग करते, पर जिन लोगों ने किया उन लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ का कोचिंग. टोनी जेवियर वहाँ के टीचर एक अच्छे, जिनका सबने बहुत तारीफ़ किया है. उसके बाद इसके मॉक्स का बहुत तारीफ़ किया गया. MCATs का लेवल तो कैट से टफ था. लोग बोल रहे हैं कि IMS का जो कैट का मॉक्स है ना, वो बहुत कैट से सेम है. मतलब जो मॉक्स देते थे और कैट में जाते थे, परसेंटाइल जो उनका मॉक्स में आता था वो काफ़ी सेम होता था कंपेयर टू जो कैट में आया. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था परसेंटाइल में भी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी. तो जिनको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं देना है, डरना नहीं है. अगर मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं क्वांट में एवरेज था, अगर मैं टफ क्वांट में चल जाता था मॉक, अगर मैं टफ क्वांट का मॉक देता था तो मुझे डर लगता था. मैं सोचता था मैं कैट निकाल ही नहीं पाऊंगा. जो डर गया वो फिर एग्ज़ाम अच्छे से क्या देगा, है ना माय डियर फ्रेंड्स. तो IMS का यही बेस्ट पार्ट है. मॉक्स के लिए मुझे रैंक करना पड़े तो मैं IMS को नंबर वन रेटिंग दूंगा, क्योंकि IMS के मॉक्स से सबने तारीफ किया है और रैंक वन दिया है. लेकिन टीचिंग में थोड़ा टाइम से कम है, ओवरऑल रैंक टू, ठीक है. नंबर थ्री रैंक जो मैं दूंगा वो एक ऑनलाइन कोचिंग है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी मार्केटिंग भी करती है. पर नंबर थ्री मैं इसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं. और इसके पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स क्यों हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है अभी मार्केटिंग में लगाने को. ये है अनअकैडमी. अनअकैडमी इसीलिए बढ़िया है क्योंकि देखो सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल क्या है कैट प्रिपरेशन के लिए, मैंने बताया रोधा रवि प्रकाश सर का चैनल है. और इसमें बहुत अच्छा वो वीडियोज़ बताते हैं, बनाया है, जिससे कैट लोग वीडियोज़ देख के कैट निकाल लेते हैं, क्वांट में अच्छा मार्क्स ले आते हैं, परसेंटाइल ले आते हैं. तो सोचो ये रवि प्रकाश सर अनअकैडमी पढ़ाते हैं, तो जब उनका YouTube चैनल इतना बढ़िया जिससे पढ़ के लोग कैट निकालते हैं, तो जब वो अनअकैडमी में पढ़ाएंगे और वो टीचर उस कोचिंग के पास है अनअकैडमी के पास, तो बढ़िया होगा ही. प्रॉब्लम बस इतना है कि वो ऑनलाइन मैक्सिमम लोग उनके ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है, 90% लोग, तो यही प्रॉब्लम है. बट यार रैंक थ्री देने के लिए तो ये बढ़िया है क्योंकि रवि प्रकाश सर की तरह ही इनके पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स रहे हैं. पहले रवि हांडा सर थे, अब वो शायद निकल गए हैं. तो रवि हांडा सर भी हंडा का फंडा कोचिंग निकाले थे. हंडा का फंडा पहले मैं हंडा का फंडा के PDF आता था, पहले हंडा का फंडा का PDF देख के मैंने इतने मुझे शॉर्टकट्स पता हुए थे कैट के कि मेरा बहुत फ़ायदा हुआ था दोस्तों. और आप लोगों के लिए ये हंडा का फंडा वाला पूरा PDF डॉक्यूमेंट मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो. तो द बेस्ट टीचर्स हैव बीन इन अनअकैडमी एट सम पॉइंट और दी अदर, विच इज़ वाई आई विल रैंक अनअकैडमी हाई. आई एम रैंकिंग इट एट 3 क्योंकि ऑनलाइन ही है ज़्यादा फेमस. अब इसका ऑफलाइन निकल आया है और जैसा मैंने बताया ऑफलाइन इज स्टिल बेटर देन ऑनलाइन अगर आप उनके अच्छे सेंटर्स पे जाओ तो. फोर्थ रैंक में अगेन ऑफलाइन सेंटर को दूंगा, करियर लॉन्चर, यहाँ मैंने खुद पढ़ाई की है. करियर लॉन्चर का एवरेज रेटिंग 2.5 out of 5 है, तो एवरेज रेटिंग हैज़ बीन नॉट गुड. ये मेरा रिव्यू नहीं है, ये आप व्हाट्सएप मैसेजेस वापस देखो माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे ये देखो. करियर लॉन्चर को मैक्सिमम लोगों ने कम रेटिंग दिया और मैंने भी कम रेटिंग दिया क्योंकि मैं जब करियर लॉन्चर पे कोचिंग करता था पार्क स्ट्रीट में तो शकीब सर थे, मुझे नहीं पता शकीब सर अभी भी पढ़ाते कि नहीं. शकीब सर तो बहुत अच्छा क्वांट पढ़ाते थे, लेकिन बाकी कुछ सब्जेक्ट्स का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला. DI का फैकल्टी वीक था, वर्बल का फैकल्टी बहुत वीक था. वर्बल एक मैडम कराती थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, थोड़ी एजेड थी वो, ओल्ड थी, लेकिन वो बहुत अच्छा वर्बल पढ़ाती थी, पर वो कुछ ही क्लासेस के लिए आती थी. तो वर्बल उतना अच्छा नहीं था, मेरा एक्सपीरियंस DI अच्छा नहीं था. और ये कलकत्ता का बेस्ट सेंटर पार्क स्ट्रीट का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वांट अच्छा था. और सब लोगों ने IIM विशाखापट्टनम के मेरे बैच एलुमनाई ने 2.5 ऑन एन एवरेज रेट किया, इसलिए इसे मैं रैंक 4 दूंगा. रैंक 5 मैं दे रहा हूँ एक ऐसी कोचिंग को जो 2017-18 में तो 15-16 में तो जब हमने IIM विशाखापट्टनम से MBA किया था घुसे थे तब तो काफ़ी इसका अच्छा था.
कैड का थोड़ा कोचिंग पर धीरे धीरे इस पूरे इंस्टीट्यूट का, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस कैट से K-12 में चला गया, मतलब ये 1 to 12 में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हें बोल रहे हैं कि क्लास 1 to 12 में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा लोग है तो ज़्यादा पैसा है। कैट तो कितने लोग देते हैं, 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि ये कोचिंग जब स्टार्ट हुआ था तब इनके टीचर इंडिया के बेस्ट टीचर थे, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे एक इंस्टीट्यूट चालू किया है। जैसे अनअकैडमी तो अपने दम पे किसी टीचर ने चालू नहीं किया ना, वो तो एक कंपनी और बेस्ट टीचर्स को ले रहे हैं, पर ये बाईजूस जिसको मैं रैंक 5 दे रहा हूँ, रैंक 5 बाईजूस है, बाईजू रविंद्रन बहुत अच्छा क्वांट पढ़ाते थे, बहुत अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं आज भी, लेकिन अब ये खुद पढ़ाएंगे ही कितना, तो आपको इसके रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। बाईजू मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अगर आपको बाईजू का टैबलेट कहीं से मिल जाए और आप वो वीडियोस देखोगे ना, मैंने खुद देखा है, तो यार बहुत अच्छा क्वांट का है इसका, आप कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया सिखाते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। इनका फोकस अब कैट के लिए नहीं है, पर्सनलाइज आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो फिर इन सब कारण की वजह से इसको मैं रैंक 5 दे रहा हूँ, लेकिन टॉप 5 में भी इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगेन बाईजू रविंद्रन से अच्छा मैथ्स मैंने तो आज तक किसी से नहीं पढ़ा, मेरे लिए उनका कोचिंग बेस्ट था। मैंने रवि प्रकाश सर के यूट्यूब वीडियोस देखे, पढ़ा तो नहीं उनसे मैं, पर बाईजू का मैंने टैबलेट पढ़ा था, उनका तो भाई अलग ही था, और तब टैबलेट के प्राइस भी बहुत कम थे, तो मैंने टैबलेट ख़रीदा था लास्ट में और मुझे मिल गया था कम दाम में, डिस्काउंट में, क्योंकि मेरा परसेंटाइल अच्छा था कैट का जब मैंने पिछली बार कैट दिया था, और उनका तो भाई अलग लेवल था, इसलिए मैं इसे टॉप 5 में रख रहा हूँ, रैंक 5 दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों जितने भी आप प्रमोशंस देखते हो, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद मेरे चैनल पे जाके प्रोमोटेड वीडियोस देख लो, उनका उतना टॉप 5 में अभी नहीं आया है, कुछ हैं जो नए नए आए हैं जिनका प्राइस बहुत कम है, तो इसलिए मैं उन्हें अच्छा रेटिंग दे दूंगा, पर उनका फोकस भी कैट नहीं है। अगर कैट का कोचिंग लेना है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो कोई ऐसा कोचिंग जो जिनका फोकस कैट है, टाइम का फोकस कैट है, टाइम कैट के लिए पहले बना था, IIMS का पहला फोकस कैट था, MBA था, तो वो कैट के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कैट का मटेरियल खुद बनाया और वो 20 साल से वो अपडेट किए जा रहे, तो वो बेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप वो बेस्ट, उनका बेस्ट कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो, दिल्ली का CP या कलकत्ता का बागशीट, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। जबकि ये जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है ना, अगर आप चल जाओगे, ज्वाइन कर लोगे, बाद में आप खुद देखोगे भैया कि यार मुझे गलत रिव्यू मिला, जो रिव्यू आप कोरा में पढ़ोगे वो पेड रिव्यूज़ है, कोरा पे आपको कितने रिव्यूज़ देखते हैं ना, पेड रिव्यूज़ होते हैं, पैसा दिया जाता है लिख देते हैं, तो प्लीज़ बच के रहो, ये मेरा ऑनेस्ट रिसर्च के द्वारा रेटिंग है, और अगर कोई और मुझसे अच्छा रिसर्च करके रेटिंग बना सकता है तो बना दे, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने अपनी मेहनत से तो ये बनाया है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।